दरअसल ये एक ऑटो नहीं, पूरी तरीके से चीज़ों से लैस एक रिक्शा है, जिसमें आप देखेंगे कि एसी ऑटो है पूरी तरीके से, इसमें वाईफाई है, साथ में इसमें पानी की सारी सुविधाएं दी गई है बैठने वालों के लिए। इसमें अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर रखे गए हैं ताकि जो लोग हैं बैठने वाले वो इसको पढ़ सके। साथ में बच्चों के लिए इसमें चॉकलेट्स रखे गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें चॉकलेट लगाए गए हैं। अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो इसमें चार्जर भी रखा गया है ताकि लोग चार्ज कर सके इसको। साथ ही डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हुए इन्होंने अपने गाड़ी के अंदर, ऑटो के अंदर ये वीज़ा मशीन, डेबिट कार्ड मशीन लगाया हुआ है। साथ में पेटीएम के लिए भी इस व्यवस्था कर रखी है। इसके अंदर पंखे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं तीन तीन पंखे लगा के रखा है इनने। साथ में एक टीवी भी लगा के रखा है ताकि आप पूरी तरीके से लुत्फ़ उठा सकें। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए इन्होंने डस्टबिन लगाया हुआ है अपनी गाड़ी के अंदर। आप ये देख सकते हैं, ये दिस इज डस्टबिन, और पूरी तरीके से इसमें चीज़ों से लेस है। ये पेपर रखे हुए हैं, ये पेन रखा है कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, एक मेडिकल, छोटा सा मेडिकल बॉक्स रखा गया है ताकि आप कभी भी कुछ हो जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि ये डेटॉल भी रखा गया है इसमें। पूरी तरीके से चीज़ों को इसमें मेंटेन किया गया है और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस गाड़ी को सजाया हुआ है। और अगर एक ऑटो इस तरीके से वर्क कर सकता है तो आई थिंक देश कितना आगे जा रहा है, देश कितना बदल रहा है। धन्यवाद। लुक एयर इंडिया।